इसराइल में एक बहुत बड़ी भारतीय कम्यूनिटी भी रहती है करीब करीब एक लाख लोग हैं जो भारतीय मूल के यहाँ पर रहते हैं आ, मेरे साथ हैं तलेगा तेलेगा कर ये महाराष्ट्र से हैं और करीब करीब पैंतीस सालों से ये इसराइल में ही है और इनके पिता एयरफोर्स में थे और वो, मेरे पिताजी एयरफोर्स में थे इंडियन एयरफोर्स पैंतीस साल हो गए उनको रिटायरमेंट लेके और हम अच्छी तरह जानते हैं फाइटिंग फोर्स क्या है अभी आप जब इसराइल में रहते हैं और चारों तरफ तो ये बारूद और रॉकेट्स होता रहता है, तो कभी आपको फील होता है कुछ नहीं मैं मैं तो एयरफोर्स में ही बड़ा हुआ हूं, तो मुझे अच्छा, कम आपके, फिक्र आपके है पिताजी एयरफोर्स में थे हाँ अच्छा क्यों क्योंकि हम लोग एयरफोर्स में ही बड़े हुए और लेकिन औरों को बहुत बड़ा धक्का लगता है जिनके परिवार है जिनके बच्चे हैं बहुतों के बच्चे 18 साल की उम्र में आर्मी सर्विस करते हैं और लेकिन अभी तो इक्विपमेंट इतना फॉरवर्ड हो गया है पहले तो कुछ अंदाज़ा नहीं लगता था कहाँ पर गिरेगा कहाँ नहीं गिरेगा नहीं। लेकिन हमारा जो सिक्योरिटी सर्विस है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमें पहले फोन में पता चलता है हमारे घर के पास गिरने वाला है ये तो, ये बात हमने भी यहाँ पर पिछले दो तीन दिनों में नोटिस किया कि जब भी कोई रॉकेट आने वाला होता है तो उससे पहले सारेन बजने लगते हैं लोगों को अपने शेल्टर के पास आ, आना होता है और आप वो आइडिया भी हो जाता है कि रॉकेट करीब एक किलोमीटर दूर गिरने वाला है या बिल्कुल आपके पास गिरने वाला आ, है कभी कभी गलती से कुछ गिर जाते हैं जब वो लोग बड़ी संख्या में रॉकेट भेजते हैं अभी मेरी बेटी एशकेलॉन में रहती है तो उधर तो पंद्रह सेकंड में उसको सेल्टर रूम में भागना पड़ता है बच्चों के साथ उसके पति के साथ और ये बहुत ज़रूरी है कि हर घर में एक सिक्योरिटी रूम होना चाहिए आ बिल्कुल और मतलब निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा जो इंडियंस की तादाद महापुरूप कम्युनिटी फीलिंग बहुत स्ट्रांग है ये ख़ुद को प्राउड इंडियन इजरायली जोश कम्युनिटी मानते हैं और अभी लगभग लग हर घर से एक सदस्य ज़रूर है जो कि इसराइल की आर्मी में या किसी न किसी प्रकार से वॉल्टियर करके इसराइल की फोर्सेस के साथ जो मौजूदा हालात है जो क्राइसिस सिचुएशन है उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है